हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और जितने भी पोस्ट मैट्रिक या फिर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, उनका स्टेटस क्यों नहीं ओपन हो रहा है, कब तक ओपन होगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का करेक्शन वगैरह भी कराना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर मेरे में कुछ डाटा गलत है, मुझे करेक्शन वगैरह कराना था और मेरा तो करेक्शन का भी लिंक ओपन नहीं हो रहा है। तो किनका स्टेटस अभी फिलहाल में ओपन हो रहा है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। सबसे पहले स्टेटस देखिए और स्टेटस में किस प्रकार की समस्या आ रही है इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर आपके में मार्क्स मिसमैच एज इंटर बाई इंस्टीट्यूशन एंड स्टूडेंट का स्टेटस करेंट स्टेटस में दिख रहा होगा, तो इस केस में आपको करेक्शन की कैटेगरी में जाना होगा, आपको करेक्शन कराना होगा। क्योंकि जो आपके कॉलेज वाले होंगे या फिर आपने ही फॉर्म भरते समय जो गत वर्ष का प्राप्तांक और पूर्णांक होगा उसको आपने गलत तरीके से फिलअप कर दिया होगा, ठीक है। और जितने भी पोस्ट मैट्रिक या फिर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, लगातार व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं और वीडियो को ध्यान से देखते नहीं है, समझते नहीं है सारी चीज़ों को। अब चूंकि वहाँ पर सभी का एक एक का तो रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लगभग 8,000, 10,000, 5,000 ऐसे बच्चे मैसेज करते हैं, सभी का रिप्लाई देना वहाँ पर पॉसिबल नहीं होता है। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है, आप सबसे पहले जो स्टेटस रिलीज होता है वो प्री मैट्रिक के बच्चों का स्टेटस रिलीज होता है। क्यों प्री मैट्रिक के बच्चों का स्टेटस रिलीज होता है, और प्री मैट्रिक के स्टेटस में भी कई प्रकार की समस्याएं आ रही है, जैसे कि यहां पे आपको दिख रहा होगा, ये तो आपका सही हो जाएगा, यहां से आपका रिजेक्ट हो जाएगा और ये आपका रिजेक्ट होगा अगर आप करेक्शन नहीं कराते हैं तो, ठीक है। क्योंकि आपके करेंट स्टेटस में मार्क्स मिसमैच की समस्या है, जो आपका नीचे डाटा है यहां पर गत वर्ष का प्राप्तांक पूर्णांक वगैरह ये आपका गलत तरीके से फिलअप हुआ है। तो इस केस में आपका जब यहां से पांचवा जो ऑप्शन है DWO लेवल से आपका फॉर्म वेरीफाई किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर के द्वारा आपका फॉर्म वेरीफाई किया जाएगा, तो वहां पर देखा जाएगा कि आपका डाटा तो गलत है, आपके आपने जो गत वर्ष के प्राप्तांक पूर्णांक वगैरह भरे हैं वो गलत है, तो इस केस में आपको करेक्शन वगैरह कराना होगा। अनेकों प्रकार की आपके स्टेटस में समस्याएं आ सकती हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेंगे। और टेलीग्राम चैनल को जो स्टूडेंट नहीं ज्वाइन किए हैं, क्योंकि देखिए ये आपके स्कॉलरशिप की राशि का मामला है, आपके पैसे का मामला है, ये नहीं कि कोई और चीज़ें, चलिए जानकारी रहे चाहे ना रहे कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपके स्कॉलरशिप की राशि का मामला है। और यहाँ से आपको मालूम है कि यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती है। अभी मैंने आपको प्री मैट्रिक के बच्चों का करेक्शन का भी वीडियो प्रोवाइड किया है, कैसे आपको करेक्शन वगैरह करना है, हालांकि काफी सिंपल और आसान सा प्रोसेस होता है करेक्शन का भी। तो वो भी जो जितने पोस्ट मैट्रिक के बच्चे हैं, ये तो प्री मैट्रिक के सारे डाटा वगैरह, करेक्शन की बात करें आपको मालूम है प्री मैट्रिक यानी कक्षा 9-10 का 5 से लेकर 10 के बीच में फरवरी में करेक्शन हो रहा है, ठीक है। और उस 5 तारीख या फिर कहिए कि कई बच्चों का 6 तारीख के आसपास में जाकर के उनका स्टेटस रिलीज हो गया, स्टेटस दिखना स्टार्ट हो गया और मोबाइल नंबर पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज भी आ रहा होगा कि आपका डाटा सस्पेक्ट है या फिर नहीं, ठीक है। उस हिसाब से मैसेज आ रहा होगा, अगर मैसेज भी आएगा तो मैसेज भी देख करके अगर आप स्टेटस नहीं चेक करिए, मान लीजिए आपके ऊपर मैसेज आ गया आपके मोबाइल नंबर पे, रजिस्टर मोबाइल नंबर पे, तब जाकर के आपको अपना स्टेटस चेक करना है कि क्या मेरे में गड़बड़ी दिखा रही है और उस हिसाब से आपको करेक्शन कराने जाना है। अब यहाँ पे जो पोस्ट मैट्रिक या फिर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, या फिर ऐसे कह लीजिए कि जितने भी कक्षा 11-12 के स्टूडेंट्स हैं या फिर उससे ऊपर के कोई कोर्स करते हैं, कोई पढ़ाई करते हैं, अब काफी सारे स्टूडेंट्स अपना अपना कहिए कि कोर्स का नाम लेकर के पूछते हैं, सर पॉलिटेक्निक का बता दीजिए, सर BA का बता दीजिए, सर BSc का बता दीजिए, सर BEd का बता दीजिए। तो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट या फिर पोस्ट मैट्रिक दोनों की डेट समान होती है। तो अगर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के बच्चों की बात करें, जैसे कि आपके BA BSc MA MSc BCom BBA MBA DLED ITI पॉलिटेक्निक BEd BTC BTech वगैरह जितने भी कोर्स होते हैं, यानी कि 11-12 या फिर उससे ऊपर के जितने कोर्स होते हैं वो सब आपके पोस्ट मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट में आते हैं। पोस्ट मैट्रिक में केवल आपका 11-12 आता है और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट में उससे 11-12 के ऊपर के जितने कोर्स होते हैं उन वो सभी आते हैं। तो सभी के लिए आपकी डेट पोस्ट मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के सभी के स्टेटस रिलीज होने की डेट और करेक्शन की डेट समान है। करेक्शन की डेट कब से कब तक है आपका, तो 12 से लेकर 15 फरवरी के बीच में आपका करेक्शन होने वाला है और 12 से पहले आपका हो सकता है 9 को या फिर 10 को या फिर 11 को कभी भी आपका स्टेटस रिलीज हो जाएगा। अभी प्री मैट्रिक के बच्चों का काम वगैरह चल रहा है तो जल्दी आपका भी स्टेटस रिलीज हो जाएगा, आपको परेशानी में पड़ने की जरूरत नहीं है। और स्टेटस रिलीज होगा उसके बाद से आपको करेक्शन कराना है, मान लीजिए 10 तारीख तक या फिर 11 तारीख का आपका स्टेटस आ गया तो स्टेटस में मेंशन होकर आएगा, आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर मैसेज भी जाएगा कि आपका डाटा सस्पेक्ट है। उस हिसाब से आपको 12 से 15 के बीच में आपको करेक्शन वगैरह कराना होगा। करेक्शन का मैं आपको लाइव वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, कोई जल्दी नहीं करनी है या फिर कह लीजिए कि जल्दीबाजी नहीं करनी है, गलती फिर से नहीं कर देनी है कि फिर से आपका फॉर्म आगे चल के रिजेक्ट हो जाए। और आपके स्टेटस में जिस भी प्रकार से डाटा यहाँ पे दिखाएगा करंट स्टेटस में, उस प्रकार से कई सारे स्टेटस में ऐसे दिखाएगा कि less than 75%, यानी कि आपका जो अटेंडेंस है 75% से कम है, तो इसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं, इसलिए कॉलेज आप जाते नहीं और कॉलेज वाले ने आपका डाटा है कहिए जो अटेंडेंस का परसेंटेज है उसको 75 से कम फिलअप कर दिया है, तो इस केस में आप करेक्शन वगैरह भी नहीं करा पाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी कोई डाउट्स हो, किसी प्रकार की समस्या हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।